कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए बुरी खबर है। दरअसल बेंगलुरु कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला क्यों सुनाया है यह हम आपको बताते हैं। असल में कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई थी। केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए हैं उसमें उनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ है। इस मामले की सुनवाई करते हुए बेंगलुरु कोर्ट ने सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सीडी के माध्यम से यह सिद्ध किया गया कि उसके ओरिजिनल वर्जन का इस्तेमाल कुछ मामूली बदलावों के साथ हुआ है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस प्रकार के मार्केटिंग वीडियोस पायरेसी को बल देते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल से उन सभी वीडियो को हटाया जाए जहां ये गाने इस्तेमाल हुए हैं, वहीं दोनों के ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है।